कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान, मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को भूगोल का अध्याय 7 हमारा देश अर्थात भारत के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए थोड़ा बहुत इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष 2011 के अनुसार भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है। विंध्य व सतपुड़ा विश्व के प्राचीन पर्वत है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। बृहद हिमालय, हिमालय की सबसे उत्तर की पर्वत श्रृंखला बृहद हिमालय कहलाता है। जल डमरू मध्य, जल डबरू मध्य भूमि के दो भागों को जोड़ने वाला जल का संकरा मार्ग जल डबरू मध्य है। शिवालिक श्रेणी, हिमालय का दक्षिणी श्रृंखला शिवालिक श्रेणी है। डेल्टा, नदी के मुहाने पर स्थित त्रिभुजाकार निक्षेप डेल्टा है। जलोढ़क, नदी द्वारा बिछाए गए मृदा भाग जलोढ़क कहलाते हैं। प्रायद्वीप, स्थल का ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। सहायक नदी, मुख्य नदी में आकर मिलने वाली नदी को सहायक नदी कहते हैं। वितरिका, मुख्य नदी सागर में गिरने से पूर्व अनेक उपधाराओं में बढ़ जाती है जिसे वितरिका कहते हैं। सुनामी, सागरीय तरंगें जो समुद्र के तल में भूकंप आने से उत्पन्न होती है। इन तरंगों की गति बहुत तीव्र होती है, सुनामी कहलाती है। चलिए सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। सही का तो सबसे पहले है नंबर 1, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो यह है शिवालिक, अभी बताया था आपको शिवालिक कहते हैं। नंबर 2, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका पश्चिमी तट है, इसको नाम से जाना जाता है। नंबर 3 है, पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? ये आपका भारत तथा श्रीलंका के बीच में स्थित है। नंबर 4 है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कौन से हैं? तो ये है आपका लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह है ये। नंबर 5 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली, अरावली है जो सबसे पुरानी श्रृंखला है। अब आते हैं खाली स्थान भरे। खाली स्थान में देखिए सबसे पहला है आपका भारत का क्षेत्रफल लगभग, ये जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इतने वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है महान हिमालय को के नाम से जाना जाता है, मतलब क्या है? हिमाद्री, यहां हिमाद्री लिखेंगे आप, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो राज्य है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नंबर 5 है, नर्मदा नदी सागर में गिरती है, तो कहां गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है, तो यहां लिखोगे अरब सागर, अरब सागर में गिरती है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाले अक्षांश रेखा है, तो कर्क रेखा है बच्चों, ये याद रखना है, कर्क रेखा। भारत को किन भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए। तो ये है उत्तर, भारत को 5 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है जो कि निम्न प्रकार है। नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। नंबर 3 है प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 है थार का मरुस्थल। और नंबर 5 है समुद्र तटीय मैदान। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो नंबर 1 पर है नेपाल, नंबर 2 पर है भूटान, नंबर 3 पर है बांग्लादेश, नंबर 4 पर है म्यांमार, नंबर 5 पर है पाकिस्तान, नंबर 6 पर है अफगानिस्तान, नंबर 7 पर है चीन।
कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन दो राज्यों की राजधानी एक है? तो चलिए, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है क्यों? तो उत्तरी मैदान में नदी द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी, पेयजल व सिंचाई की सुविधाएं, आवागमन, कृषि उद्योगों का विकास है, इसलिए यहां अधिक जनसंख्या निवास करती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्यों? लक्षद्वीप का प्रवाल नाम समुद्री जीव के मृत शरीर से निर्मित हुआ है, इसलिए इसे प्रवाल द्वीप कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, अभी बताया था मैंने इसका। नंबर दो है, भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश हैं, दक्षिण में कौन सा है? श्रीलंका है। और भारत के पश्चिम प्रांत नहीं है, कौन सा नहीं है? तो त्रिपुरा नहीं है। भारत के पूर्वी सागर में जो नदी नहीं गिरती है वह है? तो यह है नर्मदा नदी, जो नहीं गिरती है। इसके बाद अभी ये उगते सूरज की किरणें सबसे पहले किस राज्य में पड़ती हैं? तो ये है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर गोवा सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है? तो भारत अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध और देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत के किन्हीं 4 प्रांतों के नाम राजधानी सहित लिखिए। तो यह है नंबर एक मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। नंबर कर्नाटक है, फिर इसकी बंगलुरु है, उत्तराखंड है, देहरादून है इसकी राजधानी, ओडिशा है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। नंबर 5 है, प्राय भारत के 2 द्वितीय पड़ोसी देशों के नाम लिखो। तो चलते हैं, भारत के 2 पड़ोसी द्वितीय देश अरब सागर में मालदीव है और हिंद महासागर में श्रीलंका है। भारतीय मरुस्थल भारत के किस दिशा में है? तो भारतीय मरुस्थल भारत के पश्चिम दिशा में है। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के मध्य भाग से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम बताइए। तो भारत के मध्य भाग से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत का मानक यान्योत्तर कितने अंश का है? तो भारत का मानक यान्योत्तर 82° 30' पूर्वी देशांतर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य देश का 29वां राज्य बना। भारत में किस प्राचीन सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ है? तो भारत में सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। रूस में कितने मानक समय हैं? तो रूस में 11 मानक समय है। कर्कवृत्त भारत को किन दो कटिबंधों में विभाजित करती है? तो उपोष्ण कटिबंध, उत्तर इसका नंबर 2 है उष्ण कटिबंध। तो पहला है उपोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भूभागों में होता है, उदाहरण जो है हरियाणा और पंजाब। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भूभागों में होता है, उदाहरण है इसका तेलंगाना और महाराष्ट्र।
भारत के पूर्वी पर्वतमाला के राज्यों के नाम लिखिए। तो जम्मू है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा और मणिपुर। भारत के उत्तरी नदी प्रवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये नदी का प्रवाह तंत्र है, तो ये पहले सिंधु प्रवाह तंत्र है और ये गंगा ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र है। इसके बाद जिसमें सहायक नदियां कौन कौन आती हैं सिंधु प्रवाह तंत्र में, सतलज है, झेलम है, व्यास है, चिनाब है, रावी है। जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र प्रवाह तंत्र में सहायक नदियां कौन कौन सी आती है, यमुना है, चंबल है, गंडक है, घाघरा है, मेघना है। डेल्टा को चित्र सहित समझाइए। ये डेल्टा आपको दिखाया गया है, ये डेल्टा यहाँ पे बनता हुआ देखा है, तो मुख्य नदी है ये और ये इसकी उपधाराएं बीच में जो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाती है समुद्र में गिरने से पहले। तो ये डेल्टा है, नदी सागर में गिरने के पूर्व कई उपधाराओं में बन जाती है और त्रिभुजाकार आकृति निर्मित करती है, वह डेल्टा कहलाता है। भारत के एक उपद्वीप उप महाद्वीप समझाइए। तो भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत, महामरुस्थल, विशाल मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूह आदि सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, जहां जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों में विविधता है। ऐसी विविधता महाद्वीपों में पाई जाती है जो हमारे देश की भौगोलिक रचना में मिलती है। यहाँ भाषा, खान पान, बोलचाल, रहन सहन में भी अंतर देखने को मिलता है। यद्यपि इन सब के बीच एकता है और हम एक राष्ट्र में बंधे हैं, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप के विषय में सचित्र बताइए। भारतीय प्रायद्वीप अरब सागर, बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर से घिरकर बना है। इसके पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान व पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान। यह पठार खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। इस पठार में मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार है। ये आपका चित्र दिखाया गया, ये भारत है, भारत के ये अरब सागर है इसका, और इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे की तरफ क्या है, हिंद महासागर है। ये तीन चीजों से घिरा हुआ है, यानी लगभग लगभग तीन हिस्सों में इसके जल है, पूरा जलमग्न सा दिखाई देता है। दोस्तों भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। नंबर एक है कर्क रेखा, फिर भारत का मानक यांगोत्तर, जिस राज्य में आप निवास करते हैं अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। तो चलिए देखिए, ये दिल्ली आपको दिखाया गया है और ये है वो जो पूछा जा रहा 82.12 डिग्री मानक यांगोत्तर है ये बच्चों। और इसके बाद जो है ये 36 डिग्री, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 36 डिग्री पे, इसके बाद ये 32 डिग्री है, फिर 28 डिग्री है और इधर से भी देख लीजिए, ये 68 डिग्री है, 72 है, 76 है, 80 है, फिर 84 है, 88 है, 92 और 96 पे। चलिए थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हैं इसके। ये है हमारे पास कर्क रेखा, ये आपका दिखाई दे रही है 24 डिग्री के आसपास, ये वाली कर्क रेखा, ये कर्क रेखा नंबर एक पे कर्क रेखा आ गई। और नंबर तीन पे जो है वो छगा है आपका और मिर्जापुर है आपका, यहाँ दिखाई दे रहा है। नंबर पांच पे घाट है आपका, पूर्वी है ये देखो, फिर ये नंबर पांच पे घाट है आपका दिखाई दे रहा, पश्चिमी घाट है ये पूर्वी घाट था, ये पश्चिमी घाट था। तो इस तरह से ये आपको चित्र दिखाई दे रहा, सारी चीजें यहाँ दर्शा दी गई है। इसके बाद अरे यहाँ पर ये आपका लक्षद्वीप समूह है जो चौथे नंबर पे है और 82 डिग्री 30 ईस्ट में ये जो भारत का यांगोत्तर है, दूसरे का है उत्तर ये, और ये चौथा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें हो जाते हैं। चित्र आपको बना लेना, चित्र जोड़ करके पूरा बनाना पड़ेगा आपको, ये मैंने आधे आधे चित्र बांध लिए क्योंकि पेज पे नहीं आ पा रहे थे ये। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सी लड़कियों के नाम नदियों के नाम पर होते हैं, अतः आप चार्ट बना करके नदी आधारित नाम प्रस्तुत करें। तो नाम है ये देखो, नर्मदा है, कृष्णा है, सिंधु है, गोदावरी है, गंगा है, गोमती है, ये सारे नाम लड़कियों के हैं जो नदियों के नाम। अब आते हैं हमारे देश के पड़ोसी देशों को सूचीबद्ध कर वहां बोली जाने वाली भाषाएं चार्ट में प्रस्तुत करें। तो ये देश है हमारा और
भाषा है। तो सबसे पहला देश आता है अफगानिस्तान, यहाँ अफगानी और पश्तो बोली जाती है। नेपाल, नेपाल में नेपाली या गोरखी बोली जाती है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में उर्दू या बंगाली बोली जाती है। म्यांमार, म्यांमार में बर्मिज बोली जाती है। चीन, चीन में चीनी बोली जाती है। श्रीलंका, श्रीलंका में सिंहाली या तमिल बोली जाती है। मालदीव, मालदीव में मालदीपीय या देवेही बोली जाती है। पाकिस्तान, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। भूटान, भूटान में जो है दजोखा बोला जाता है। इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या और बनाकर भेजना है आप लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे कि ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और उसका वो फायदा उठा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।